किसी प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था जहां मेंढकों के परिवार रहते थे। पास में ही एक वृद्ध सर्प रहता था। वृद्धता के कारण वो शिकार नहीं कर पाता था, इस प्रकार वो प्रायः भूखा ही रहता। एक दिन वो विचार करने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे बिना परिश्रम किए ही आजीविका चलती रहे। तभी उसके मन में एक विचार आया। वो समीप के मेंढकों से भरे तालाब के पास चला गया। वहां पहुंचकर वो बड़ी बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। उसे इस प्रकार घूमते देखकर तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठे मेंढक को आश्चर्य हुआ, तो उसने पूछा, मामा आज क्या बात है? संध्या हो गई है किंतु तुम भोजन पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे हो। बेटे क्या करूं, मुझे तो अब भोजन की अभिलाषा ही नहीं रह गई है। आज बड़े सवेरे ही मैं भोजन की खोज में निकल पड़ा था। एक सरोवर के तट पर मैंने एक मेंढक को देखा। मैं उसको पकड़ने की सोच ही रहा था कि उसने मुझे देख लिया। समीप ही कुछ ब्राह्मण ध्यानमग्न थे, वो उनके मध्य जाकर कहीं छिप गया। उसको तो मैंने फिर देखा नहीं, किंतु उसके भ्रम में मैंने एक ब्राह्मण के पुत्र के अंगूठे को काट लिया और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसके पिता को इसका बड़ा दुख हुआ। उस शोकाकुल पिता ने मुझे शाप देते हुए कहा, दुष्ट, तुमने मेरे पुत्र को बिना किसी अपराध के काटा है तो तुम्हारी मृत्यु भी किसी नेवले के काटने से ही होगी। ब्राह्मण का श्राप सुनकर मैं डर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, ब्राह्मण देवता मुझे माफ करें, मैंने यह अपराध जानबूझकर नहीं किया है। मैं तो भोजन की तलाश में एक मेंढक का पीछा करते हुए यहाँ आया और मुझसे अपराध हो गया। क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। भले ही तुमने अपराध अनजाने ही किया है, पर अपराध तो किया ही है, इस अपराध का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं ब्राह्मण के सामने गिड़गिड़ाने लगा और श्राप से मुक्ति पाने के लिए विनती करने लगा। मेरी विनती से ब्राह्मण को दया आ गई और वो कुछ देर के लिए ध्यान मग्न होकर बोले, यदि तुम 1000 मेंढकों को अपनी पीठ पर 1 साल तक बिठाओगे तो इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। मैं ब्राह्मण को प्रणाम करके वहां से चला आया। अपने इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए मैं तुम लोगों को 1 साल तक अपने पीठ पे बिठाकर तुम्हारा वाहन बनने के उद्देश्य से यहां आया हूं। मेंढक सर्प की ये बात सुनकर अपने परिजनों के पास गया और उनको भी उसने सर्प की वो बात सुना दी। इस प्रकार एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे कानों में जाती हुई ये बात सब मेंढकों तक पहुंच गई। उनके राजा जलपात को भी इसका समाचार मिला। उसको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सबसे पहले वही सर्प के पास जाकर उसके फन पर चढ़ गया। उसे चढ़ा हुआ देखकर अन्य सभी मेंढक उसकी पीठ पर चढ़ गए। सर्प ने किसी को कुछ नहीं कहा। सर्प ने उन्हें भांति भांति के करतब दिखाए। सर्प की कोमल त्वचा के स्पर्श को पाकर जलपात तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। इस प्रकार एक दिन निकल गया। दूसरे दिन जब वह उनको बैठा कर चला तो उससे चला नहीं गया। उसको देखकर जलपात ने पूछा, क्या बात है, आज आप चल नहीं पा रहे हैं? हाँ, मैं आज भूखा हूँ, इसलिए चलने में कठिनाई हो रही है। ऐसी क्या बात है, आप साधारण कोटि के छोटे मोटे मेंढकों को खा लिया कीजिए। मैं कैसे मेंढकों को खा सकता हूँ? मैं तो यहाँ अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए आया हूँ, मुझसे और अपराध नहीं होगा। आप चिंता ना करें, ये कोई अपराध नहीं है, आप तो केवल अपनी भूख मिटा रहे हैं। जलपात की बात सुनकर सर्प नित्य प्रतिदिन बिना कोई परिश्रम से मेंढकों का अपना भोजन बनाता।
इस प्रकार वो एक एक करके मेंढकों का नाश करता गया, किंतु वो जलपात ये भी नहीं समझ पाया कि अपने क्षणिक सुख के लिए वो अपने वंश का नाश करने का भागी बन रहा है। सभी मेंढकों को खाने के बाद सर्प ने एक दिन जलपात को भी खा लिया। इस तरह मेंढकों का समूचा वंश ही नष्ट हो गया। शिक्षा: अपने हितैषियों की रक्षा करने से हमारी भी रक्षा होती है। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।